No, ¿qué tal? Todo. Velocity is equal to a under root x plus bt sine cx plus dx t square exponential minus alpha t. एक्स पोजीशन है बेटा, टी टाइम है, तो आप फार्मूला दिता होया थानू है ना, चाहिए था बाहर लिखना, पेपर देना नहीं था, कल छुट्टी भी करनी है। तो वी वेलोसिटी है बेटा, एक्स डिस्टेंस है, टी टाइम है, तो ए बी सी डी पे अल्फा द डायमेंशनल फार्मूला निकाल, अननोन क्वांटिटी वाला है ना। हुन इनू कितना सॉल्व करना, बड़ा इजी काम है, आराम ना, रिलैक्स होके। आ वाला बॉक्स प्लस आ वाला बॉक्स प्लस आ वाला बॉक्स, ये तीनों बॉक्स मिलके वेलोसिटी आ रहा है, इसका मतलब आप पूरे का पूरा बॉक्स ही वेलोसिटी है। तो आप इन्हू ना इदा कर लेना काम नो इजी, ए ते अंडर रूट एक्स की जगह एक्स की पावर माइनस, क्यों 1/2, ठीक होगी गल। तो इसका मतलब आप पहले बॉक्स को यह लिखे ना, हम जो दूसरा बॉक्स है वो भी वेलोसिटी ही है और तीसरा बॉक्स भी मतलब ये तीन क्वेश्चन एकदम भी आ सकते हैं सेपरेटली, आ एक क्वेश्चन एक का दूसरा एक तीसरा, वो इकट्ठे करके उन्हें पाते। हम ये बेटा एक ही बनेगा वेलोसिटी ओवर एक्स दी पावर, तो वेलोसिटी है एल टी माइनस वन और आ है एल दी पावर हाफ, तो ए आ जाएगा एल हाफ टी माइनस वन। ठीक है बेटा, हूँ देखो साइन कोसाइन टेंजेंट वो हमेशा एंगल का फाइंड आउट होता है, मतलब आज जी टर्म है ना, दिस टर्म दिस इज एंगल और एंगल इज डायमेंशनलेस। तो मेनू कितना पता लगा भी ये डायमेंशनलेस है, क्योंकि साइन सी एक्स मीन्स एंगल नू रिप्रेजेंट कर रहा है, साइन हमेशा कोसाइन हमेशा एंगल का, तो सी एक्स डायमेंशन लेस है, तो फिर सी की आ गया 1/x मतलब एल माइनस वन होगी। ठीक है, अच्छा फिर बेटा आप पूरी टर्म साइन है ना ये डायमेंशन लेस है, तो आप सीधी निकाल चुके हैं, आप पूरी टर्म क्योंकि डायमेंशन लेस है, इट मींस वेलोसिटी इज इक्वल टू बी टी, तब बी इज इक्वल टू वेलोसिटी बाय टी एल टी माइनस वन ओवर टी एल टी माइनस टू। ठीक है, हम इधर आ जाओ, हुण पुत्र एक्सपोनेंट की पावर डायमेंशन लैस होंगी है, तो अल्फा टी डायमेंशन लैस है, तो अल्फा आ गया 1/T मतलब टी माइनस वन,
और पूरा एक्सपोनेंट भी डायमेंशन लेस अंदर, तो वेलोसिटी आ गई डी एक्स बाय टी स्क्वेयर, तो डी बन जाएगा वी टी स्क्वेयर बाय एक्स, एल टी माइनस वन टी स्क्वेयर बाय एल। पता लग गया? ठीक है, अलग कर लेना बस। आ ए दा आ गया पुत्र, तो आ बी दा आ गया, आ सी दा आ गया, आ अल्फा दा आ गया, आ डी दा आ गया। वही पूछे सी जी इन्होंने डायमेंशनल फार्मूला दसो। इको क्वेश्चन की सारा कुछ उन्हें मिला तो वह वधिया क्वेश्चन है। चलो हूँ पता लग गया, हम चलिए आगे। तो कल आपा बेटा रिलेटिव वेलोसिटी दे क्वेश्चंस कर रहे सी। इन वन डायमेंशन है ना, तो हम देखो बेटा एक गल होर समझो। अगर मान लो मेरे सामने एक ऑब्जेक्ट ए है, ए ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ कांस्टेंट है, और दूसरा ऑब्जेक्ट बी है, और ऑब्जेक्ट बी की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म कह लो, तां वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी भी कांस्टेंट ही होए, आपस में फिर कांस्टेंट होएगी। मतलब अगर सुनो, हम आप ये गल करते हैं कि मान लो ट्रेन है, उदे अंदर पैसेंजर है, तो अगर ट्रेन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ कांस्टेंट है, पैसेंजर की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ कांस्टेंट है, तो पैसेंजर की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन कांस्टेंट ही होएगी। समझ आई मैं की क्या है ना? तो इहदा मतलब उस केस जदों दो बॉडीज की वेलोसिटी आपस दे विच विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर कांस्टेंट है, तो इहदा मतलब उन्हां दा रिलेटिव मोशन भी की है, यूनिफॉर्म मोशन ही है। ठीक है, हुण लिखो रिलेटिव यूनिफॉर्म मोशन वन डायमेंशनल मोशन। और वन डी मोशन असी मेनली अलोंग एक्स एक्सिस ही स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, हूँ पुत्र देखो, जदों तुसी इस टॉपिक नू स्टडी करना, इदे लिए आपां सब तो पहला एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लीए। हुण इस स्ट्रेट लाइन दे उपर वो ओरिजन आ गया, वो ओरिजन। ठीक है, तो दिमाग दे विच सिचुएशन पता है कि लैके आओ भी, एक बिल्कुल स्ट्रेट रोड है, सीधी सड़क, कितने बेंड नहीं है, सीधी सड़क है, और उस सड़क के ऊपर, सीधी सड़क के ऊपर अलग अलग जगह पे दो कार आके खड़िया हो गई। ठीक है, सीधी सड़क के ऊपर, तो हुण मान लो आ जिहड़ी सीधी सड़क है इहदे विच कोई चौंक है, उहनूं आपां की मान लिया, ओरिजन, ओरिजन मान लिया। ठीक है, तो हुण जिद्दां मान लो आपां सिर्फ गल ही समझनी है कि नकोदर चौंक देखिया, पता नकोदर चौंक
को तो जॉन्ग नहीं पता, राउंड अबाउट आता है ना, और केड़ा चौक पता तेनू? फुटबॉल चौक। जो आप इधर नू जाने हैं आ राज जिहड़ा चौक आंदा अंबेडकर चौक भी कहने उन्हों है। हाँ अंबेडकर चौक, नकोदर चौक उन्हों कहने आप। तो नकोदर चौक जिहड़ा वा उतों एक सड़क बिल्कुल नकोदर नू जा रही है सीधी, है नहीं उदा बेंड हो रहा आप अपने आप नू समझाने लई, सीधी सड़क जा रही है। तो सवेर का टाइम है 4-5 बजे का, कोई सड़क बिल्कुल खाली है ना। ते चौंक जेड़ा वा ओनू मान लिया ओरिजिन, ये जड़ी नकोदर नू जा रही सड़क है ये हो गई एक्स एक्सिस सीधी सड़क। ते साड़ी जड़ी कार है जिन्हों आपा कार ए कह रहे हैं वो इत्थे खड़ी है, इत्थे है स्टार्टिंग पे, ठीक है। तो हुन आपा अगर इस कार दी, ये कार ए ली है, तो अगर आपा स्टार्टिंग पे कार ए दी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन दसनी है तो आ है क्योंकि अलोंग एक्स एक्सिस असी पोजीशन एक्स दे नाल दसदे हैं ना, एक्स कोऑर्डिनेट ना, ते एक्स नॉट का मतलब होंदा स्टार्टिंग पोजीशन और ए कार ए दी स्टार्टिंग पोजीशन, मतलब सिंबल तो ही पता लग रहा कार ए दी स्टार्टिंग पोजीशन कितने है, इतने है ना, ये कार ए स्टार्टिंग पे है। अच्छा और इदा ही पुत्र मैं दो लाइना बना के गल समझा रहे हैं, जे एक लाइन एक्स एक्सिस है ना तो उसके पैरेलल दूसरी लाइन भी एक्स एक्सिस कही जा सकती है, कोई एडी गल नहीं। हाँ जेडी तुहाडी कार है ना बी, वो भी नकोदर चौक तो कुछ दूर खड़ी है, एक कार भी है, ठीक है। हुन ये सिचुएशन थानू की दस रही है, दोनों विचों केड़ी कार अगे है केड़ी पिछे है शुरू च, ए तो है ना अगे है, ठीक है। हुन पुत्र तुसी देखो तो आ है कार ए दी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ओरिजिन मतलब अर्थ, ए है कार बी दी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, पर कदों स्टार्टिंग च इनिशियल पोजीशन। पर जे मैं कहां बे इनिशियल पोजीशन ऑफ कार, ये साइड पे नोट करना हाले तुसी ना करियो फिर बाद चो थानू पता लगू, इनिशियल पोजीशन ऑफ कार ए विद रिस्पेक्ट टू कार बी आप इदा लिखांगे सिंबल, क्योंकि एक्स नॉट मतलब इनिशियल ते ए बी का मतलब ए दी विद रिस्पेक्ट टू, कितना लिख आंदी है ये आर ए बी कितना आंदा सीगा, आर ए b माइनस ए होता है x b माइनस पढ़ते पढ़ते नहीं करता तुझे नहीं ना, रिवाइज कर दे बस फिर खत्म काम, जब तक करना नहीं ना तब तक समझ नहीं आनी, डाउट्स बढ़ते जाने हैं, रोज का काम नाल नाल मुकाओ, पिछला काम एक्स्ट्रा टाइम च कर दे। जो जे कहूंगी पहला पिछला कर लीए कवर फिर अज वाला करेंगे ना, सानू पढ़ना ही नहीं है बेसिकली, ऐसे जेड़ा अज का काम है वो अज जरूर खत्म करना, जे पिछला कोई बैकलॉग है उन्हों एक्स्ट्रा टाइम च करना, असं की करते हैं अज का काम उन्होंने छड़ के पिछला करते हैं,
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਲਈ ਬੈਕਲੌਗ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਸਮਝ ਘੱਟ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹ ਉਨਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੜਬੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਤੋ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝੋ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਹੁਣੀ ਹੋਈ ਬੰਦ ਸਿਗਨਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ।